अमन अपना भाई आज गाना गा रहा है तो हम लोग जरा गाना गुनगुना के सुनाते हैं एक बार। हम लोगों ने म्यूजिक पे बहुत मेहनत की है साथ में बैठ के सेटिंग करके, तो आज गाना गुनगुनाते हैं थोड़ा सा। पर्टिकुलर सॉन्ग दिस इज वेरी मच सिचुएशनल सॉन्ग, जिसमें लड़का और लड़की की मुलाकात हर फिल्म में आप लोग देते हो रोमांटिक सॉन्ग, लेकिन ये बैकड्रॉप कश्मीर के पास है जहाँ टेररिस्ट के अगेंस्ट में लड़की फंसी हुई है और लड़का कैसे उसको रेस्क्यू करता है। सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ थोड़ा विलंब होने के कारण, बट प्रवीण भाई इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर, इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बींग, और बहुत सारा काम किया हम लोगों ने साथ में हाल फिलहाल में, और इनका एक फिक्स होता है कि मेरे साथ, मेरे ख्याल से मैं आपको मुहूर्त सिंगर फिक्स मुहूर्त सिंगर कोई भी फिल्म का मुहूर्त हो तो मुझे ही सबसे पहले कॉल जाता है, और आज सोमुदा भी जो है इन्होंने मतलब शुरुआत मेरी जो करियर की शुरुआत होने से भी पहले से मैं इनको जानता हूँ, इन्होंने बहुत मुझे हेल्प किया, और इज़ अ लेजेंडरी म्यूजिशियन ऑफ आवर इंडस्ट्री। एंड जयप्रकाश जी के डायरेक्शन में फिल्म बन रही है माचिस, तो जिस माचिस से हम सब वाकिफ़ हैं, पहली जो माचिस आई थी इतनी लेजेंडरी, इतनी नेशनल अवार्ड फिल्म और क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म, तो मैं यही दुआ करूंगा, और सर का भी साथ है, हमारे साथ जुड़े हैं, इतनी दूर से आए हैं, और सबकी आपकी बेस्ट विशेष चाहिए कि ये फिल्म जब आए और ये जब ये गाना निकले, जब ये गाना बाहर आए आप लोगों के सामने रिलीज़ होके, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आए, और प्रवीण भाई की जो लिखावट है और जो मेलोडीज़ हैं वो तो हमेशा रूहानी होती हैं, वो सीधा दिल को ही टच करती हैं। तो माचिस फिल्म है और सोहम रॉकस्टार के बैनर के तले और जयप्रकाश जी के निर्देशन में ये फिल्म जो है ये आज हो रही है, मुहूर्त म्यूजिक मुहूर्त का निकल रहा है। प्रवीण जी आप क्या कहना चाहेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है माचिस फिल्म। हाँ नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े भाई के ऊपर डाल दी है। जय भाई से जो रिश्ता है वो एक्चुअली डायरेक्टर वैसा नहीं है, हम लोगों का रिश्ता बड़ा घरेलू है, हम लोग शाम को मिलते हैं, म्यूजिक डिस्कस करते हैं, सिचुएशन को डिस्कस करते हैं, तो उससे एक रूहानी चीज़ निकल के आती है। इसकी भी स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है, इतनी माइंड ब्लोइंग है, उस स्क्रिप्ट को ध्यान में रखते हुए गाना शायद कश्मीर में शूट कर रहे हैं हम लोग, तो हमने इसके लिए दिखाना चाहता हूँ कि एक इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इसके लिए हमारे सोमुदा ये अभी वहाँ से लेके आए हैं, ये इंस्ट्रूमेंट इंडिया में भी फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है डल्सीमर मैंडोलिन। ये मैंडोलिन डल्स, हाँ ये मैंडोलिन है, हमने स्पेशल इंस्ट्रूमेंट सब यूज कर रहे हैं जो भी इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। सोमुदा सारे देशों के जो है इंस्ट्रूमेंट लेके घूमते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट किसी भी देश की जरूरत पड़ सकती है, आज ही लॉन्च हो रहा है इंडिया में। जरा सा प्ले करते सोमुदा डल्सीमर बजाए। बहुत लग रहे हैं और ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं जो अभी यूज नहीं हुए। बाकी तो गाने में यूज हुआ है, तो कश्मीर नजर आना चाहिए लोगों को। बहुत अच्छा, हाँ ये वादियां और बर्फ नजर आ रही है, फोक बहुत अच्छा, मजा आया। नहीं क्या है कि ये सिचुएशनल है कि जब वो सिचुएशन जय भाई ज्यादा अच्छा बता सकते हैं कि कहाँ पे गाना यूज हो रहा है। ये सूफी टच का क्या होता है ना, जब आप किसी गाने को शूट करते हैं तो गाने की जो महक है एक तो ऑडियो में आपको आती है, ऑडियो में सबसे, वीडियो में बाद में दिखती है, पहले ऑडियो में महक जो है गाने की खुशबू आनी चाहिए, तो गाने का जो एक गाने की तासीर है, गाने का जो अंग है और भाव है वो समझ में आता है। तो अगर ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा और आप नॉर्मल एक गिटार जो सुनोगे तो फिर एक सॉफ्ट रॉक और एक उस पहाड़ी या उस वादियों वाली फील के गाने में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो ये फ़र्क जो है सारे इंस्ट्रूमेंट्स पैदा करते हैं, और मैं अपनी आवाज़ से देखिए इतना फर्क पड़ा कि ये भी माचिस भी जो है वो थोड़ी गीली हो जला दिया। तो खैर आप सब लोगों से यही दुआ है और विनती है कि आप गाने को जो है जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकें जब फिल्म रिलीज़ हो, और जितना का ज़्यादा उसके बारे में आप दुआएं दे सकें,
तो उतना अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा. और गाना बहुत कम बार ऐसे होता है कि गाना मैंने सुना नहीं है गाना अच्छी तरह से. इन्होंने फ़ोन पे गुनगुनाया था, हम लोग कॉफ़ी शॉप में मिलते रहते हैं, बोला था कि अमन यार एक गाना करना है, ऐसा ऐसा है कुछ बोल, तब गुनगुनाए थे, तब ट्यून भी नहीं थी और ट्यून फ़ोन पे सुनाई. और अभी शोमुदा लकीली यही डब कर रहे हैं और मैं अभी रिकॉर्ड करूँगा कुछ टाइम में. तो पहले से ही ऐसी बहुत एक रूहानी और बहुत एक अच्छी फीलिंग आ रही है कि ये गाना बहुत, मैं हिट या सुपर हिट होना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन चिपकने वाली है जो कॉमन आप लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए साथ में जो रह जाएगी वो ही ऐसी कोई बात है. और मेलोडियस भी है. बिल्कुल बिल्कुल, मेलोडी जो है सबके दिलों में अभी तक वो माचिस के टॉपिक अलग था, उसका कॉन्सेप्ट अलग था. इस माचिस का टॉपिक अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है. बेसिकली इट्स अ लव स्टोरी अगेंस्ट द टेररिज्म. सो पूरी कहानी मैं अभी आपको लोग को बता नहीं सकता हूँ क्योंकि कुछ सर्टन सीन सिक्वेंसेज हैं जो फिल्म के अंदर जो हमने गुप्त रखा हुआ है. फिल्म का आज मुहूर्त है सॉन्ग रिकॉर्डिंग के साथ, तो गाने अगेन इट टेक्स अस बैक टू द मेमोरी लेन. सो आपका म्यूजिक हमेशा एक अलग रहा है, आपकी फिल्में एकदम एज आई सेड कि एक इशू बेस्ड रही हैं, तो इस म्यूजिक में क्या खास हम देखेंगे? और जो आज का गाना है वो रोमांटिक है, वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, तो उसके बारे में बताइए. देखिए मोस्टली हर फिल्म का म्यूजिक, हिट फिल्म को हिट कराने में म्यूज़िक का बहुत बड़ा योगदान होता है. वैसे जितनी भी फिल्में मैंने पहले भी बनाई है काफ़ी म्यूज़िक सक्सेसफुल रहा है और इस फिल्म का म्यूज़िक काफ़ी हद तक सबको अच्छा लगेगा. और इसमें तीन म्यूजिक डायरेक्टर अलग अलग कंपोज करके दे रहे हैं और होपफुली कि इस फिल्म का भी म्यूज़िक काफ़ी अच्छा होगा. कितने गाने हैं इसमें? 4 गाने हैं टोटल. सॉरी, इसमें रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, सूफी सॉन्ग्स हैं, शादी के गाने हैं और टाइटल सॉन्ग्स हैं. ये अप्रैल मई से हमारी पिक्चर फ्लोर पे चली जाएगी. 1 शेड्यूल पिक्चर है, कश्मीर और मनाली और आगरा में हम शूट कर रहे हैं. कब तक रिलीज का प्लानिंग क्या है? रिलीज ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर के आसपास होगी. बात करें स्टार कास्टिंग, कौन कौन है? अभी कास्टिंग डिसाइड मेरा चल रहा है, अभी मैं नाम अनाउंस इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि जब तक कि अंटिल उनका कन्फर्मेशन नहीं आ जाए. बातचीत चालू है और होपफुली विद इन 15 डेज हमारा सेटअप रेडी हो जाएगा. एग्जैक्टली मैं कॉन्सेप्ट के साथ ही मैं शूट कर रहा हूँ, टाइटल के साथ ही शूट कर रहा हूँ. बेसिकली कॉन्सेप्ट को टाइटल बहुत शूट करता है और टाइटल को कॉन्सेप्ट शूट करता है, तो इस कॉम्बिनेशन के साथ ही हमारा लोकेशंस भी उसी तरह से हम प्लान कर रहे हैं कि जिसमें ये टाइटल और कॉन्सेप्ट दोनों की जस्टिफिकेशन मिले. और कुछ यूएसपी फिल्म की आप अपनी तरफ से शेयर करना चाहेंगे? देखिए यूएसपी यही कह सकता हूँ, टाइटल ही अपने आप में यूएसपी है. पेट्रियटिज्म इज द यूएसपी ऑफ द फिल्म. और टेररिज्म जो है ये थीम है हमारी. और आज जो है नॉट ओनली इंडिया, मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज फेसिंग दिस काइंड ऑफ थिंग. फ्रांस, इराक, सीरिया और हमारा देश भी. उसमें एक बड़ी खूबसूरत लव स्टोरी है जो विच हैज़ बीन सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ कश्मीर. उसमें बड़े खूबसूरत गाने भी होंगे, बड़े इमोशन भी होंगे, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी होगा. और उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ जब बात आएगी कि हम पहले या देश पहले, तब हमारा कैरेक्टर कहेगा देश पहले हम बाद में हैं. तो अल्टीमेटली जो ये देशभक्ति की भावना वो यूएसपी है जो हर किसी को कनेक्ट करती है. इस फिल्म के ज़रिए हम ये कहने जा रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस फिल्म जो माचिस बनी थी एक बहुत ही सेंसिबल मेकर ने बनाई थी, एंड आई एम माई सेल्फ अ ग्रेट एडमायरर ऑफ दैट मेकर कॉल्ड गुलजार. और हमारी फिल्म ऑब्वियसली इज़ गोइंग टू बी कंपेयर्ड विथ हिम, सो वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट द सब्जेक्ट एंड स्क्रिप्ट मेकिंग. जी पारुल जी, एनीथिंग एल्स? जी, इनकी बात से मुझे आपसे एक सवाल
सवाल करना है कि आपको लगता है कहीं ना कहीं फिल्म का बहुत ज़्यादा प्रेशर इन टर्म्स ऑफ लुक एंड फील ऑफ यू नो बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स द वे ह्यूमन माइंड थिंक्स सो वो एक्सपेक्टेशन रहेगी स्नो एंड एवरीथिंग सिंस योर शूटिंग क्या कहना चाहेंगे जी. नॉर्मली क्या होता है कि इस तरह की फिल्में जब भी आई हैं, आप उदाहरण लीजिए जितने भी फिल्में बनी हैं सारी फिल्में चली हैं, क्योंकि एक देशभक्ति और एक देश की भावना और जैसे बोलते हैं कि हम कंट्री को प्यार करते हैं या खुद लव प्यार करते हैं, तो इस फिल्म के जरिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि प्यार बाद में है, देशभक्ति पहले है. प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म कंग्रेचुलेशंस. आपके आने से पहले हमारी ये बात हो रही थी कि फिल्म का टाइटल इतना खूबसूरत है जो ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट है. आप क्या कहना चाहेंगे यू नो पिकिंग अप द सब्जेक्ट में जयप्रकाश जी जो इतनी अच्छी फिल्में ऑलरेडी बना चुके हैं जो इशू बेस्ड रही है हमेशा, तो क्या कहना चाहेंगे? जयप्रकाश मैंने बड़ी देर से काम किया तो आई हैव बीन वर्किंग विद हिम फॉर लास्ट मेबी 15-20 इयर्स सो वी आर मेकिंग अनदर एफर्ट टू मेक अ ग्रेट मूवी. And we have been discussing about the topic, which sounds pretty good. And Vipin is there going to help us with music, and let's see how it goes. Talking about the music, you've always done wonders with your songs. So what is special in the film? Well, first thing first, I must say that I'm really, really happy. मुझे बहुत बेहद खुशी है कि मैं यतिंदर who's like my big brother and JPG who's also my big brother, I'm working with them. I've sung for JPG's one film, a very beautiful song called दगाबाज है ये वक्त. And now with Matches, I'm sure कि हम लोग बहुत धमाल करेंगे. And I'm sure music is going to be talked about just as much as the film. और we are keeping our fingers crossed. So Matches music is already legendary. We are right now in the process of getting the right people on board and I'm surely you know confident ki Matches ki jo legacy hai music ki jo itna kamal ka music tha it'll be a surely an essence of that and a blend of today so that we connect with the youth immediately keeping still that very strong that strong presence of music of Matches that there was. So yeah, mera to khair abhi tak hamara sangeet pe sitting hona hai abhi, but mujhe pata hai ki ek gana mera pakka isme hone wala hai. Acha, two songs, okay. I'm extremely grateful that I will be a part of this film और मुझे दो गाने गाने का मौका मिलेगा इसके अंदर. और हम कोशिश करेंगे कि संगीत ऐसा हो जो सबके दिलों में उतर जाए, जो कि जे पी जी का हमेशा एक जिसे कहते हैं उनका एक फोकस रहा है म्यूज़िक को लेकर के. वो बहुत बहुत शिद्दत से म्यूज़िक को करते हैं और परख कर म्यूज़िक को लेते हैं फिल्म में. तो हम लोग कुछ तो ऐसा करेंगे कि एक कमाल का एसेंस बनाएंगे जो Matches की लेगेसी थी उसको लेकर और आज की साउंड को लेकर को उसको और आप आज के इस यूथ को हम टारगेट करेंगे एंड आई एम श्योर इट विल वर्क वंडर्स फॉर ऑल ऑफ अस. न्यूज़ देना चाहता हूँ कि विपिन अनेजा अभी मेरी फिल्म में सिंगर से नहीं है बल्कि साथ में म्यूजिक डायरेक्टर भी. क्या कर रहा है आप? ये भी बोलती है सिंगर नहीं है, हमारी फिल्म में म्यूजिक भी कंपोज कर रहे हैं. Matches जो फिल्म का टाइटल है ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि बहुत साल पहले एक फिल्म बनी थी मासूम, ओके. उसके बाद एक और मासूम बनी थी फिल्म, मैं दूसरी मासूम में था. वो भी पहली मासूम कुछ अलग तेवर था, दूसरी मासूम कुछ अलग तेवर था, वो भी सक्सेसफुल फिल्म थी. Matches बनी थी लेजेंडरी विद लेजेंडरी पीपल विद लेजेंडरी म्यूजिक, गुलजार साहब का नंबर वन, अलीदा पहला नंबर. उसके साथ में विशाल थे, विशाल वंडरफुल म्यूजिशियन, उन्होंने बहुत अच्छा म्यूजिक बनाया था. और अब ये जो Matches है, ये Matches के गुण बहुत हैं, ये Matches के गुण बहुत हैं, इसमें तीलियाँ बहुत होती हैं. कोई भी तीली जो है ये कुछ भी कर सकती है. चिंगारी को, शोला और शोले को एकदम से नेगेटिव आग भी लगा सकती है, पॉजिटिव आग भी लगा सकती है, दिलों में आग भी लगा सकती है. ये Matches की खूबसूरती है. क्या बात,
ये माचिस की खूबसूरती है। और हमारे जो डायरेक्टर हैं वो बहुत रेवोल्यूशनरी हैं और बहुत कम मुस्कुराते हैं। आज 6 महीने के बाद मुस्कुरा रहे हैं। जब भी कोई अच्छा काम करते हैं 6 महीने चुप हो जाते हैं। इन्होंने फिल्म बनाई थी मिस टू, उसमें आई एम द हीरो, आई हैव गॉट 25-30 सीन्स एंड आंसर थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ, जान पुराने दोस्त हैं इसलिए। लेकिन बनाने के बाद में एकदम से चुप हो जाते हैं, फिर अपने आप से सवाल करते हैं कि मैंने फिल्म कैसे बना ली अच्छी। अब ये माचिस के साथ भी होने वाला है। ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग डायरेक्टर। 24 घंटे उसी मोमेंट की माला जपते रहते हैं। मैं पहली बार जो मेरा इनके साथ एसोसिएशन हुआ था, फिल्म थी मैड, उसमें मैंने गाना गाया था। आनंद मिलन का म्यूजिक था और बहुत कमाल का फोक था जिसमें मैंने गाया था। सेकंड फिल्म में ही गेव मी हीरोज रोल। अब थर्ड में जो माचिस है, माचिस का तो मुझे नाम ही बहुत अच्छा लगता है और इसका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत कमाल का है। आई एम श्योर कि इसका म्यूजिक बहुत अच्छा होगा और ये मोमेंट जो है सबके ऊपर भारी होगी, ये ग्रो करेगी, सबके ऊपर ग्रो करेगी मोमेंट। एंड ही इज नेवर सेव डाई ए मैन, नेवर से डाई। ये अपना ही इज गोइंग टू गिव हिज द बेस्ट। आई एम श्योर, आई नो हिम इन एंड आउट एंड क्रिएटिवली ही इज ट्रिमेंडस। ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ये बच्चा लोग को सिखाते हैं और ये माचिस जो है पूरी फोर्सेस यहाँ तक आ गई हैं एंड आई एम हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद दिस फिल्म। बट ही हैज टू ओपन हिज कार्ड्स, ये बताएंगे, ये आराम से बताते हैं, पहले पान खाते हैं, उसके बाद फिर वो रोल बनाते हैं, फिर फोन पे आता है। मुझे लास्ट टाइम इन्होंने जो रोल था उन्होंने मुझे बताया था इस पर फेसबुक के ऊपर, उसके ऊपर एक कमाल का लिखा था, उन्होंने ये लिखा था कि अगर प्रेमनाथ जी जिंदा होते तो ये रोल अरुण बख्शी वो करते जो मैं आपको रोल दे रहा हूँ। अब प्रेमनाथ जी द ग्रेट एक्टर, उनका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और कौन नहीं उनका फैन। सो इट वॉज हिज स्टाइल, ये चुप चुप रहते हुए कुछ ना कुछ अंदर से खिचड़ी पकाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बिरयानी पकाते रहते हैं। आई एम श्योर ही विल कम आउट विक्टोरियस विद माचिस। Yeah, victorious with matches. Very well. And he deserves a clap also. Yes. Okay.